हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने एलिमेंट मेन्यू के, ग्रुप के, फ्रेम के और अरेंज ऑप्शंस को हमने पढ़ लिया था। आज हम अलाइन ऑब्जेक्ट ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अलाइन ऑप्शंस को चलाने के लिए आपके पास पेज पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी मल्टीपल शेप्स होने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये कब हाईलाइट होगा? जब आपके पेज पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसको चलाने के लिए हम पेज पे सबसे पहले यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेते हैं मल्टीपल। हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ शेप्स को ड्रॉ करना है। इसे हमने यहाँ पे एक शेप ये ड्रॉ किया, इसी में आके हमने एक रेक्टेंगल शेप और ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इतना करने के बाद आपको सभी शेप्स का सिलेक्शन लेना है, सबको ग्रुप में करना है। अब एक साथ अगर आपको मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट करने होते हैं तो आप शिफ्ट को होल्ड करके कई सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, फिर आप शिफ्ट की को होल्ड करिए। शिफ्ट की को होल्ड करके आप इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्शन टूल लेके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आगे देखेंगे अलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आपका हाईलाइट हो रहा है। अलाइन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट कैसे करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा जो भी ऑब्जेक्ट हमारे मिडल में है वो हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। सेलेक्शन लेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे उतने ऑब्जेक्ट्स आपके लेफ्ट में शिफ्ट हो गए हैं। इसी में आके अगर हम सेंटर लगा के ओके करते हैं, ऑब्जेक्ट आपके सेंटर में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है एलिमेंट में ही, अलाइन ऑब्जेक्ट में राइट लगा के ओके करते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे आपके राइट में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप बॉटम टू लेफ्ट, बॉटम टू राइट में करना चाहते हैं तो आप बॉटम टू राइट कर सकते हैं, या बॉटम टू सेंटर में करना चाहते हैं बॉटम टू सेंटर में करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप राइट में करना चाहें तो राइट में। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं, वर्टिकली टॉप में करना है, ओके करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट वर्टिकली टॉप में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी में आके आप मिडल में, सेंटर में करना चाहें वर्टिकली, आप सेंटर में कर सकते हैं, और बॉटम करना है तो बॉटम। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। आप एक साथ इनको जहाँ पे भी सेलेक्ट करके रखना चाहें अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्शन टूल लेके रख सकते हैं। अभी अगर आप डिलीट करेंगे तो आपके सभी ऑब्जेक्ट एक साथ डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में हमारा आ जाता है एलिमेंट में ही, टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप का क्या यूज़ होता है? टेक्स्ट रैप का यूज़ होता है अपने पैराग्राफ, आपने कोई पैराग्राफ टाइप कर रखा है उसमें पिक्चर की पोजीशन को सेट करके उसकी रैपिंग सेट करना। जैसे आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आपके यहाँ पे देखते हैं जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी के बगल में कुछ इमेजेस भी लगाए हुए हैं, इस तरीके से आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करते हैं। तो इसको चलाने के लिए हम पेज पर पहले कुछ काम कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये काम किया। इतना करने के बाद हमें पेज पर इमेज लेना होता है। इमेज लेने के लिए कंट्रोल डी को होल्ड करेंगे और यहाँ पे आके इमेज को इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कराने के बाद आपको पहले सेलेक्ट करिए इंसर्ट, आप कंट्रोल, जैसे आप पे, आपका पेज इधर उधर शिफ्ट हो रहा है इसको नॉर्मल करना, आप कंट्रोल जीरो करके नॉर्मल भी कर सकते हैं। हमने पिक्चर की पोजीशन को छोटी कर ली। इस तरीके से अभी आप देख रहे हैं एलिमेंट में आपका टेक्स्ट रैप ऑप्शन ऑफ है। इसको ऑन कराने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे पिक्चर को भी रख लेते हैं। पिक्चर हमारा टेक्स्ट के ऊपर आना चाहिए तो आप कंट्रोल डी करके पिक्चर इसके ऊपर रखिए। इस तरीके से अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। टेक्स्ट रैप पर क्लिक कर रहे हैं तो इस पर टिक है, यानी कि आपका टेक्स्ट रैप ऑप्शन ऑफ है। अभी अगर आप पिक्चर को मूव कराते हैं कहीं पे तो आपके टेक्स्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि आपने टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन ऑफ किया हुआ है। इसी में आके अगर आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन को ऑन कर देते हैं इस पर क्लिक करके,
अलाइन सेंटर ओके करेंगे। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे भी लेके जाएंगे, टेक्स्ट जो होंगे इसके चारों ओर आएंगे इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्मेट में। इसी में आके अगर आप रैप टेक्स्ट राइट लगा देते हैं इस तरीके से सेंटर, तो ये इस तरीके से आप इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जहाँ चाहे रख सकते हैं। इसी में आके टेक्स्ट रैप पे क्लिक करेंगे, अगर हम सेंटर लगाते हैं तो ये टेक्स्ट के बीच में इस तरीके से सेंटर में आएंगे। टेक्स्ट आपके आधे ऊपर रहेंगे और आधे नीचे रहेंगे और ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में शो हो रहा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप इसको राइट में रखेंगे तो ये राइट में शिफ्ट होता है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट की रैपिंग पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। डिलीट कर देते हैं इसे। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमें जो मिल जाता है एलिमेंट में ही, ग्रुप अनग्रुप। इसका क्या काम होता है, जैसे अगर हम पेज पे शेप्स ड्रॉ करते हैं और जैसे मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए, इस तरीके से हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप चाहते हैं कि इनको हमें ग्रुप में करना है, जिससे इसकी पोजीशन हमें एक जैसी रखनी है, सबको एक सीक्वेंस में ले जाना है, लेकिन इनकी पोजीशन को हमें चेंज करना है। तो अगर ऐसे आप क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो इनकी पोजीशन एक एक करके सिंगल सिंगल होती है। आप चाहते हैं कि हमें ग्रुप में करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इसको पूरे को सेलेक्ट करें, जैसा कि पहले आपको बताया। अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना होता है तो आप शिफ्ट की को होल्ड करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, फिर शिफ्ट की को होल्ड करके सभी ऑब्जेक्ट को एक एक क्लिक करते जाइए। क्लिक करने के बाद आप एलिमेंट पर आइए और यहाँ से ग्रुप पर क्लिक कर दीजिए। अब आप इसको जहाँ पर भी ले जाएंगे सब एक साथ आएंगे। अगर आप इनमें कुछ चेंजेस भी करेंगे तो सब में एक जैसे चेंजेस होंगे। अब आप चाहते हैं कि सभी में हमें अलग अलग चेंजेस करानी है, तो आप एलिमेंट पे ही आके यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपके सभी ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो जाते हैं यहाँ पे आके। अभी तो ये ग्रुप में हमारे, जब आप अनग्रुप पे क्लिक करते हैं तो आपको सिंगल एक बाहर क्लिक भी करना होता है। इससे क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो जाते हैं और आप इनमें अलग अलग चेंजेस करा सकते हैं इस तरीके। अगर आप इनको फिर से ग्रुप में करना चाहते हैं, सिलेक्शन ले लीजिए, एलिमेंट पे आने के बाद आप इसको फिर से यहाँ पे आके ग्रुप में कर सकते हैं। अब इसको जैसे चाहें जहाँ चाहें मूव करा सकते हैं और सब में एक जैसे चेंजेस भी करा सकते हैं। डिलीट करना, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है लॉक पोजीशन और अनलॉक पोजीशन। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ काम कर रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रखे हैं और इनको सीक्वेंस भी बना के सेट कर रखा है इस तरीके से। अब आप चाहते हो कोई अदर पर्सन आपके ऑब्जेक्ट्स जो आपने सीक्वेंस में किया है काम, उनको इधर उधर उनके सीक्वेंस को ख़राब ना कर सके, जो आपने जहाँ पे सेट किया वहीं पे रहे। आप चाहते हो कि बाकी सबको एडजस्ट कर सके लेकिन हमारे इस ऑब्जेक्ट को कोई भी इधर उधर एडजस्ट ना कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लॉक कर सकते हैं। लॉक पोजीशन पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट पे लॉक लग चुका है। आप इसको मूव कराएंगे तो ये मूव नहीं होता है, लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट्स आपके मूव होते हैं क्योंकि इन्हें हमने लॉक नहीं किया। अब ये लॉक अगर आप हटाना चाहते हैं, एलिमेंट पे आ जाइए, यहाँ से आके अनलॉक पे क्लिक करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट अनलॉक हो जाता है और आप इसको जहाँ चाहें इस तरीके से मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है मास्क और अनमास्क। इसका क्या काम होता है, जैसे इसको चलाने के लिए पहले हम इमेज ले लेते हैं, कंट्रोल डी करके हमने कोई इमेज ले लिया। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कलर फिल नहीं करना है, इसमें केवल हमें इसकी हेयर लाइन यानी कि इसकी केवल आउटलाइंस हमें चाहिए।
अब हम चाहते हैं इतना पोर्शन जो है पिक्चर का वो इस शेप में आ जाए। इसका जो मेनली यूज़ होता है, जैसे हम गॉड की पिक्चर वगैरह होती है, जिन्हें अगर हम सर्कल में शेप में दिखाना चाहते हैं, केवल राउंडेड कॉर्नर्स या सर्कल्स में दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको दोनों का सिलेक्शन लेना होता है। इस तरीके से सिलेक्शन लेने के बाद एलिमेंट पे आना है और यहाँ से आके कर देना है मास्क। अब आप देखेंगे पिक्चर के उतनी जो एरिया था वो आपका इस शेप में एडजस्ट हो गया है इस तरीके से। अगर आप फिर से अलग करना चाहते हैं पिक्चर को अलग और ऑब्जेक्ट को अलग, तो यहीं पे आके आपको अनमास्क करना होता है। इससे क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट अलग आ जाता है और आपके पिक्चर्स अलग आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। ना केवल एलिप्स में आप इसको रेक्टेंगल में लेना चाहें या फ्रेम में लेना चाहें, उसमें भी आप ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको एलिप्स में नहीं चाहिए, आपको किसी दूसरे शेप में चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि इसको रेक्टेंगल शेप में आपको रखना है, इतना पोर्शन आपको इसको रेक्टेंगल में, सबसे पहले यहाँ पे आप नन कर दीजिए, इसकी हेयरलाइन को ब्लैक कर लीजिए। इतना करने के बाद आप दोनों का सिलेक्शन लीजिए इस तरीके से। सिलेक्शन लेने के बाद एलिमेंट पे आना और यहाँ से मास्क कर देना, उतना ऑब्जेक्ट आपका रेक्टेंगल शेप में शो हो रहा होता है। फिर से अगर आप इसको अनमास्क करना चाहते हैं, अनमास्क पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मास्क और अनमास्क ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिल जाता है इमेज, इस ऑप्शन को हम आगे से पढ़ेंगे। अभी हम पॉलीगॉन सेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगॉन सेटिंग, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने इसमें पढ़ा था, पॉलीगॉन सेटिंग जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पॉलीगॉन की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे इसके कॉर्नर्स कैसे रखने हैं आपको, और इसको स्टार शेप देना चाहते हैं या इंटरसेट देना चाहते हैं, जैसा आप इसका फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, पॉलीगॉन सेटिंग पे आप क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चाहिए आपको यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, 100 से ऊपर ये नहीं जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको स्टार शेप में करना है या आउटर में करना, आप इस तरीके से स्टार शेप भी दे सकते हैं। ओके करेंगे, अब जब आप ड्रॉ करोगे तो उसी फॉर्मेट में ये ड्रॉ होके आएगा। आप इसमें जैसे चाहे चेंजेस कराना है, इसकी पोजीशन एक्स एक्सेस से सेट करना है, वाई एक्सेस से सेट करना है, या इसकी हाइट कितनी रखना चाहते हैं आप, विड्थ कितनी रखना चाहते हैं आप, या रोटेट करना, वो सारे आप सेटिंग इसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन हमें राउंडेड कॉर्नर्स का मिल जाता है। जैसा कि हमने ये ऑप्शन यहाँ से भी पढ़ा था कि हमें अगर इसके कॉर्नर्स राउंडेड चाहिए होते हैं तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, आप देखेंगे इसके कॉर्नर्स हमें राउंड शो कर रहे होते हैं। आप सेलेक्ट करके ड्रॉ करते हैं तो इसी फॉर्मेट में आता है। अब वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, राउंडेड कॉर्नर्स पे क्लिक करते हैं। अब जैसे भी इसके कॉर्नर्स आपको चाहिए आप सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं, हटाना है सेलेक्ट डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है लिंक इन्फो। लिंक इन्फो हमारा वैसे ही काम करता है जैसा हमारा फाइल मैनेजर में लिंक मैनेजर करता है। तो इस ऑप्शन को चलाने के लिए हमें सबसे पहले पेंट को ओपन करना है, और पेंट को ओपन करने के बाद हम इस पर कुछ काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे पेंट को ओपन कर लिया। इतना करने के बाद हमने इस तरीके से कुछ काम किया पेंट पे, और यहाँ पे पेंट ऑप्शन पे क्लिक करके सेव ऐसे इसको सेव कर देते हैं। सेव टाइप, यहाँ पे पहले फाइल को नाम दे दीजिए किस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे हमने इसे 3 times यू दे दिया। अब आप इसको कहाँ पे सेव कराना चाहते हैं, लाइब्रेरीज़ में, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, या फिर डेस्कटॉप पे। हमने यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप लगा के सेव कर दिया। इतना करने के बाद हम फिर से पेज मेकर पे वापस आ जाते हैं। अब आपको कंट्रोल डी करना होता है। कंट्रोल डी करने के बाद आपको उस इमेज का लिंक लेना है जहाँ पे आपने इसे सेव किया था। तो हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया, हमें डेस्कटॉप पे क्लिक करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारी फाइल का नाम शो हो रहा था, यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, सेलेक्ट करके ओपन, इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसमें हमें ऑप्शन मिल रहा है लिंक इन्फो। लिंक इन्फो में आके हम उसकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। जैसे आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो फाइल है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपने फाइल को किस नाम से सेव किया है, किस लोकेशन में सेव किया है, और यहाँ पे देखिए लोकेशन साइज़ क्या रहा है आपका, किस डेट में, किस टाइम में मॉडिफाइड किया गया, वो सभी आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो आ जाता है लिंक
ऑप्शन। अब जैसे इसमें था कि अगर हमने कोई चेंजेस किया पेंट पे जाके उसको अपडेट कराना है, तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल का नाम शो करता है और उसे हम अपडेट ऑल कर देते हैं, आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप जब लिंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, इन तीनों ऑप्शन को आपको ऑन करना होता है, इन पर इस तरीके से टिक करना होता है। इतना करने के बाद यहाँ से आप ओके करते हैं। अब फिर से पेज पर हम यही टास्क बार से ही पेंट पे वापस आ गए और इसमें हमने कुछ अपडेट किया, चेंजेस कराए और इसको फिर से सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमने काम बढ़ाया, सेव कर लिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आ जाता है। अगर आप अपडेट करेंगे तो ये एक स्टेप अपडेट करेगा, अपडेट ऑल, जितने भी चेंजेस आप किए होंगे सारा ये अपडेट करके आपको दे देता है। लेकिन अगर आप इसको अपडेट नहीं कराना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप एक इग्नोर एक एक करके करेगा, इग्नोर ऑल एक साथ। तो हमने यहाँ पर आके कर दिया अपडेट, जितने भी चेंजेस हमारे ऑब्जेक्ट में हुए थे वो सारे इसमें हमें अपडेट होके मिल रहे हैं। तो इस तरीके से लिंक मैनेजर जैसे हमारा काम करता है, वैसे ही लिंक ऑप्शन और लिंक इन्फो भी हमारे काम कर रहे होते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है नॉन प्रिंटिंग का। इसका क्या काम होता है, जैसे आपने पेज पे कुछ वर्क कर रखे हैं इस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए आप इन सब का प्रिंट निकाल रहे हैं, तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते हैं। जैसे हमें क्या करना है, हमने इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लिए, अब हम चाहते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट का प्रिंट नहीं निकालना, हम चाहते हैं बाकी सारे ऑब्जेक्ट तो हमारे प्रिंट में आए लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट में ना आए। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे एलिमेंट पे, यहाँ से नॉन प्रिंटिंग ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। अब आपका ये ऑब्जेक्ट प्रिंट में नहीं शो करेगा, लेकिन हम चाहते हैं ना तो ये प्रिंट में आए और ना ही ये पेज पर शो करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको यूटिलिटी में, सॉरी व्यू में आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम्स, यानी कि आपने वहाँ पे टिक तो कर दिया कि आप उसको प्रिंट में नहीं चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो पेज पे भी ना शो करे, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट ना तो आपका प्रिंट में शो करता है और ना ही पेज पर शो होता है। तो इस तरीके से आप कोई ऑब्जेक्ट जो आपको प्रिंट में नहीं चाहिए आप यहाँ से उसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या काम होता है, सबसे पहले हम पेज के जो भी काम है उनको हटा देते हैं। ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है, सपोज हमने रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया और इसको हमने यहाँ रोटेशन टूल से रोटेट कर दिया है, तो रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट में रोटेशन सेट किया है उसे क्लियर करने का काम करता है। तो रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है और उसमें रोटेशन सेट किया है, तो ये उस रोटेशन को क्लियर करने यानी कि रिमूव करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया है। अब जैसे अगर आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग इसके साथ ना चला के इमेज के साथ चलाना चाहें, तो हम इमेज के साथ भी इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इमेज लेने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी को प्रेस करिए, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद यस करा देंगे और इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। अब जैसे आपने अपने पिक्चर को रोटेट कर रखा है, अगर आप इसमें इसकी रोटेशन को हटाना चाहते हैं, रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं, इससे क्या होता है रोटेशन क्लियर हो जाता है। तो इसको आप चाहे तो पिक्चर के साथ भी चला सकते हैं और चाहे तो शेप के साथ भी चला सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज़ आप इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं अब इस पिक्चर में सारी प्रॉपर्टीज़ में ओपन हो के आ रही है, वही सारे ऑप्शन जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, इसकी पोजीशन सेट करना, उसकी हाइट विड्थ को सेट करना, वो सारा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाकी कलर, इसकी हेयरलाइन वो आप सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एलिमेंट के ऑप्शंस को पढ़ लिए हैं। अब आगे कल हम एलिमेंट के सारे ऑप्शन पूरे कर लिए, आगे हम यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप इतने ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे के ऑप्शन, यूटिलिटी मेन्यू के ऑप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।